बात कर रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 3% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। लगातार गिरावट दिखा रहा है हिंदुस्तान कॉपर। हमको बाउंस बैक हुआ था, रिजेक्शन फेस किया, गिरावट आई, अगेन बाउंस बैक होने की कोशिश किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया अपने रेजिस्टेंस को, रिजेक्शन लेकर अगेन गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ से हिंदुस्तान कॉपर और गिरावट दिखा सकता है लेकिन नीचे की ओर 300 का लेवल इसके मेजर सपोर्ट का काम करेगा। 300 का लेवल, यहाँ से फिर हिंदुस्तान कॉपर के खेल के पलटने के चांस बनेंगे। लगातार सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, हम देख सकते हैं 330 के लेवल से लगातार गिरावट में, तो और गिरावट यहाँ से बताता नज़र आ सकता है। लेकिन 300 के लेवल पर भी एकदम से एंट्री नहीं लेनी क्योंकि रिजेक्शन कर ले गया, गिरावट दिखा गया तो वैसी कंडीशन में 290 से लेके 280 तक का भी फॉल दिखा सकता है। अगर स्टॉक जहां क्लोजिंग दे गया वहीं से बाउंस बैक होता है तो इमीडिएट टारगेट 320 जो कि इसका रेजिस्टेंस है, और ब्रेकआउट करके 330 तक का जम दिखा सकता है जो इसका हाई है। एटलीस्ट इस हाई को ब्रेकआउट करके सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है हिंदुस्तान कॉपर को लगातार तेज़ी के लिए। अगर 330 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है और सस्टेन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में फिर इस हाई के भी ब्रेकआउट के चांस बनेंगे, फिर यहाँ से लगातार रिकवरी दिखाता हुआ, लगातार अपट्रेंड दिखाता हुआ हिंदुस्तान कॉपर नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।